हर की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है और सिवान से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बड़हरिया विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह पर्चा दाखिल करने पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी आपको तस्वीरें हम दिखा दें कि श्याम बहादुर सिंह बिना चप्पल पहने नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं सिवान के कलेक्ट्रेट में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अपने समर्थकों के साथ भारी भीड़ के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं श्याम बहादुर सिंह। इनके सामने बड़हरिया विधानसभा से बच्चा पांडे चुनावी मैदान में महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिना चप्पल पहने श्याम बहादुर सिंह नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा श्याम बहादुर सिंह। क्या समय खत्म हो गया जी, आप छोड़ क्यों रहे थे? खाली पैर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? खाली पैर नॉमिनेशन करने आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज कौन कोई भी आपकी लड़ाई किससे होगी? हमारे विरोधियों को बचाओ बड़ा, हमारे विरोधी यही लड़ता बड़हरिया के लड़ाई में कहिया से आई। लोग लगातार कई तरह का वीडियो आपका वायरल कर रहे हैं अभी से, पुराना वो चलते रही है, कब तक चले? नौको बंद था, नॉमिनेशन का कॉलेज माजा लड़ाई में कब से आई? लड़ाई में कब से आई? इस बार नया नॉमिनेशन कर ले, इस बार नया क्या होगा? कर ले दिलो, टाइम क्या होगा? अढ़ाई बजे तक ले टाइम। कार में दोष बा, ओकरा खून में दोष बा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे मुख्यमंत्री जी काम करी ले, हम प्रणाम करी ले, प्रणाम के वोट मांगी ले। आ बिहार में वाकई कहीं प्रधानमंत्री के बाद, नरेंद्र मोदी जी के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री के बाद कौन चेहरा बा पूरे बिहार में, तो कौन अपन नीतीश कुमार विकास कुमार। आपने सर अभी कहा कि जिसका भतार जो है आंधर होता है उसको सिरिंगाए की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ये किस संदर्भ में आपने कहा? सिंगार हम रोकनी है ना, लाली के कौना कलर के बात, लाली तो लोगो तो देखेला सिंगार अपना शौक के बड़हरिया के विकास के चाहे जमना जनप्रति फिर एक बारे में का कहते उतना हमरा में ही बात ना बुझला मतलब बिहार बड़हरिया के विकास के बारे में बात होता है कुछ नहीं के बड़हरिया के विकास का हम नहीं कैले तो चुनाव जब जीत फिर अभी तो बुझाई जी विकास फिर मैंने कहना बल पर वो चुनाव जीते नहीं पहले बताइए लोग के बल पर जनता के बल पर लोग की खाली चेहरा चाहिए या कि काम चाहिए दोनों चाहिए तो फिर जो काम नहीं कहला कहते नहीं कि हम जीते हम कौन आधार पर हम तो काम कहले बनी अभी रो कहने कुछ नहीं कहले जनता में जिताई ए मारता अब बार बार लोग कहते विकास नगर भल विकास नगर भल तो सरकार के परे जनता ही बात कहता है विधायक जी जनता बात कहता जनता ही के कहते चुनी हमरा जनता के सब अधिकार बा कहे के पूछे के कब माला पहरा दी अभी रघु पार्टी के मनोज सिंह जी कहले हैं कहा कि वहां के पी करके यहां के गजड़ी है भंगेड़ी है ये सब मामला में रो विधायक के बात करते हम गजड़ी है भंगेड़ी है दारू पी ले तब न 15 साल से मेले बनी पहिला उठे के लो धले लेबा पहिला उठे के एक और बात जान ली हम घटकटवा ना है इतना सुंदर बच्चा के पचरुखी खाद व्यवसायी हरसंग्रह के लेके के उठा के काट दिले आ वो चारण जी के बोरिंग में हेतु का डाल दिले तो बेल भैल पैसा के बल पर पाप अपना बाप के ना छोड़ समय आवे हमारा के बेकार खो देता आखिरी बता दी रुआ की बाले दिन की उतर हुआ पार्टी के रनी है अभी वहाँ से विरोधी हुई बनी तो ये बात ये मेरा कहे सामने आता वो पहले कहे ना आई पहले वो खोदे बड़े हमारे तो उनका हम खोदा था ना तो फटाफट में फिर छुप कहाँ गई मामला कहाँ सरकार छुपा लस्का रखे कोई कोई नगा छुपल बहुत समझ सरकार छुपा ले लेबे कोई नगा छुपल तो फिर हत्या के मामले में नगा छुपल तो जेल कहे ना हत्या के मामले में बेल करा ले ऊपर ऊपर बाद में राजनीति बिहार में सिवान में हो रहा बका मैंने अब उतना भारी सवाल पूछा तो हम ना बताए चलिए हमारा से छोट सवाल पूछी हंस के जवाब दे अपनी बात कही है ये कह रहा है गूगल फोटो ना और देखिए किस तरह से बिल्कुल एकदम देहाती अंदाज में जमीनी नेता बात करते हैं और सबसे बड़ी बात अमीर ना बन के भूगुल फोड़ दी इतना फटका उनका क्या कि नीचे जमीन पर भूगुल फूट जाए समझ रहे हैं आपकी बात समझ रहे हैं मतलब मारपीट वाली पटकाई नहीं है हाँ बिल्कुल मारपीट वाली पटकाई नहीं है और बहुत ही बेबाकी से आपके सांसद पति आपके खिलाफ है आपके सांसद पति आपके खिलाफ है और भी आपके पक्का पट्टी करने की बात तो है पक्का हमरा संगे बाड़े पक्का हमरा संगे रहिए हमरा सांसद पति से बहुत कम मतलब बा कविता जी से जान प्राण लगा के जितौले बनी सन
कविता जी हमारे संग विरोध के लड़े सांसद पति के कविता सी तो आपके चुनाव दिखाई नहीं दे रही है। एमपी या एमपी या एमएलए दोनों कई घर में दोनों कहाँ जनहित में बात। नीतीश कुमार को संविधान में किताबें नहीं थे। एवरी जनता से कौन यादव बा करेगा बा बहुत काम बढ़ोरिया में भल बा कुछ अपूरा बा अभी जीते।